कल मैच था एसआरएच वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच। इस मैच से पहले एसआरएच ने सिर्फ एक बार 190 से ज्यादा का स्कोर चेस किया था, और इस मैच में मुंबई इंडियंस ने पहली इनिंग में 193 रनों का जब टारगेट दिया तो मुंबई इंडियंस पहली इनिंग में ही यह मैच जीत गई थी। कल के मैच में अंबानी जी की 17.5 करोड़ की पहली किस्त भी मिल गई जब कैमरून ग्रीन ने मुंबई का माहौल हरा भरा कर दिया। कैमरून ग्रीन ने शानदार 62 रन की पारी और एक विकेट लिया। सूर्य कुमार यादव कल फिर उदय होने से पहले ही अस्त हो गए। बैटिंग पिच पर भी मात्र 3 गेंद खेलकर चलते बने। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मुंबई इंडियंस को पुराने रंग में देखकर उनके फैंस बड़े खुश हुए होंगे। शुरुआती 2 मैच हारने के बाद लगातार ये बैक टू बैक तीसरी जीत थी मुंबई इंडियंस की। ईशान किशन का कल के मैच में अलग ही चल रहा था। उसे लग रहा था कि हर बॉल पर विकेट है। मुंबई इंडियंस के दोनों रिव्यू गवा दिए। बैट से बॉल कोसों दूर होने के बाद भी ईशान किशन बोल रहा है, आवाज आया है। अर्जुन तेंदुलकर ने कल लास्ट ओवर में 20 रन डिफेंड करके अपना पहला विकेट भी लिया। उसके बाद तो अर्जुन तेंदुलकर को ऐसी विशेष मिल रही थी जैसे कि लास्ट ओवर में 2 रन डिफेंड किए हो, मतलब कुछ भी। हेनरिक क्लासन कल जिस प्रकार की बैटिंग कर रहा था, एक दो ओवर और खेल जाता तो एसआरएच यह मैच आसानी से जीत जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।